हे गाइस, कैसा सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की वीडियो में ना हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं द बेबी इन येलो यार, क्योंकि गेम में नया अपडेट आया हुआ है तो हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में आज बताऊंगा जिससे आप अनलिमिटेड मनी कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आज की इस वीडियो में हम लोग यार एक रोबोट को अपग्रेड करने वाले हैं जो कि एक भूतिया सा ऐसे रोबोट होगा, जो कि क्योंकि बेबी इन येलो भूतिया है तो भाई साहब रोबोट भी भूतिया हो सकता है। मुझे नहीं पता कैसे अपग्रेड करेंगे, तो चलिए यार जल्दी जल्दी से करते हैं। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द बेबी इन येलो। ओके, हम लोग दोबारा से आ चुके हैं बेबी इन येलो के हाउस में एंड दोबारा से भाई साहब अपना तहलका मचाने वाले हैं। एंड भाई साहब यहाँ तो बहुत ही ज्यादा गंदा वाला सीन होके रखा हुआ है। वैसे लास्ट एपिसोड में मैंने कुछ किया था, मुझे याद नहीं है, मैं टेक्नोवेबर तो हूँ नहीं जो सारी चीजें याद रखता हूँ, उसके लिए सॉरी। एंड फटाफट से हम लोग आगे की साइड चलते हैं एंड देखना वाली बात ये है कि यहाँ पे शायद से मुझे जो है बुक को लगाना पड़ेगा। अब कैसे लगेगी बुक यार, ये तो देखने वाली बात है। यहाँ पे शायद से ये लगेगी, यहाँ पे तो नहीं लग रही है। यहाँ पे तीन बुक जो है मिसिंग है, मुझे उन सभी बुकों को ढूंढ के लगाना है। तो यार मैं फटाफट से ढूंढ लेता हूँ क्योंकि यार मुझे बहुत यार ढूंढने में मुझे लगता है। ओके, यहाँ पे तो बुक एक मिल चुकी है मुझे। एंड अब देखने वाली बात ये है कि और सारी बुकें यहाँ पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके यहाँ पे, ओके नहीं नहीं ये यहाँ पे शायद से ये लगने वाली है, यहाँ पे लगेगी क्या? ओके नहीं, ये यहाँ पे तो नहीं लगेगी। मुझे लगता है मुझे बुक और भी ढूंढ लेनी चाहिए, लेकिन ये वाली यहाँ पे लगेगी क्या? ओके यार ये बुक यहाँ पे लग नहीं रही, मुझे लगता है और सारी बुकें जो हैं मुझे ढूंढ लेनी चाहिए। ओके तो मैं ढूंढ लेता हूँ। तो अभी के लिए मुझे एक और बुक मिल चुकी है जो कि मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिली। यहाँ पे तो ये नहीं लग पा रही है, शायद ये यहाँ पे लगे। नहीं, ये भी यहाँ पे नहीं लग पा रही है, शायद ये यहाँ पे लगे। यहाँ पे ये लग चुकी है एंड अभी मुझे एक बुक की और आवश्यकता है क्योंकि इसमें से एक बुक जो है पूरी की पूरी फेक है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे यार भाई साहब ये लगी नहीं रही, मुझे लगता है यही बुक जो है वो फेक है। हाँ ये भी लग चुकी है, ये यहाँ पे लग जाएगी क्या? नहीं, यही बुक जो है वो फेक है, शायद से मुझे एक और बुक की आवश्यकता है। तो मैं फटाफट से ढूंढ लेता हूँ क्योंकि मैं जरा भी लेट नहीं करने वाला। तो ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे फटाफट से बुक मिल चुकी है एंड मैं फटाफट से लगाने जाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे जो है इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, तो फटाफट से मेरा डोर जो है वो ओपन हो जाएगा यार। तो मैंने फटाफट से यहाँ से बुक लगा दी है एंड अपना डोर जो है वो ओपन हो चुका था। मुझे ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पे एक बिल्ली बैठी हुई थी भाई, उसकी वजह से गेट बंद होके रखा हुआ था। हम भाई साहब एक बहुत ही डरावने रूम में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे भाई चारों तरफ रेड रेड कलर ही शो कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे कोल पड़ा हुआ है, शायद से मुझे ये कोल इसमें डालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा यार पता नहीं। वैसे यहाँ पे कोल मैं डाल देता हूँ फटाफट। एंड भाई कोल, ये कुछ ज़्यादा ही आवाज़ हो रही भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रोशनी बहुत तेज़ी से हो रही, मुझे लगता है यहाँ पे भाई क्या नौटंकी बना है। यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे लगता है ये क्या, ये पे यहाँ पे एक जो है मीटर लगा हुआ है शायद से। ओके अब मुझे समझ में आया है, मुझे इस कोल को इसमें डालना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो एक ये स्विच लगा हुआ है वाइल, इसको जो है घुमाना है, तो शायद से उसके बाद जो है जो गेट जो है वो ओपन होगा। तो मैं फटाफट से कोल डाल देता हूँ, मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा कोल। एंड मैं इसको जो है घुमा देता हूँ। ओके हाँ, तो दरवाज़ा जो था वो शायद से वेल्डिंग हुआ था, इसीलिए मुझे वेल्डिंग को तोड़ना पड़ा। एंड फटाफट से हम आ चुके हैं, एक गुफा में एंटर हो चुके हैं। एंड मुझे नहीं पता यार, मुझे डरावनी बहुत ज़्यादा गुफा लग रही है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही है भाई। इसमें तरह तरह की चीज़ें रखी हुई हैं भाई, मुझे जल्दी जल्दी से आगे की साइड जाना पड़ेगा। यहाँ से एक नहीं, यहाँ पे तो एक बंद हुआ पड़ा है भाई। उधर कुछ है क्या? उधर तो कुछ नहीं लग रहा है, शायद से मुझे इसी की साइड जाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से चलता हूँ। एंड ये क्या हो रहा भाई भाई भाई, अरे नहीं यार भाई, ये क्या हो रहा है भाई? मुझे लगा मैं यहाँ पे गिर गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड फटाफट से मैं आगे की साइड चलता हूँ क्योंकि यार मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। बैगन भी सही नहीं लग रहा है। एंड मैं फटाफट से आगे की साइड निकलता हूँ। वैसे आगे की साइड जाना है या पीछे की साइड जाना है ये तो मुझे पता ही नहीं है यार। ओके यहाँ पे, ओके ये ऑटोमेटिक दरवाजा कैसे हो रहा था भाई? ओके मैं यहाँ पे खोलता हूँ दरवाजा एंड यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है साइड से। एंड ये भाई फ्लावर लगा हुआ है जो कि एक डिब्बे या किसी चीज़ के अंदर बंद है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इसके साथ क्या करना होगा।
यार क्या करना होगा मुझे, प्लीज़ यार कमेंट करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते। ओके ओके ये क्या, ओके फाइनली ये वही रोबोट है जिसको हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं। शायद से इसकी बैटरी जो है रिक्वायर्ड लिखा है, बैटरी रिक्वायर्ड, मुझे लगता है इसकी बैटरी जो है वो टूट चुकी है यार, तो मुझे जल्दी जल्दी से बैटरी ला के लगाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से जाता हूँ बैटरी लेके आता हूँ। ओके गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा ढूंढा ढांडी करने के बाद यहाँ पे जो है रोबोट की बैटरी मिल चुकी है। मैंने बहुत ही ज़्यादा ढूंढी ढांडी की उसके बाद जो है बैटरी मिली, तो है इसकी लगा दी है। एंड भाई ये क्या, इसको लेके जाना पड़ेगा क्या मुझे कहीं पे? मुझे तो नहीं पता, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा मुझे। शायद से इसको मुझे के इसको डाल देता हूँ यहीं पे। भाई रुक जा तो यहीं पे, लेकिन नहीं यार मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा, मुझे इसको जो है रिपेयर करना पड़ेगा। कुछ तो इसमें है, मुझे लगता है जो बैटरी मैंने लगाई है शायद से वो चार्ज भी है या फिर नहीं चार्ज है, वो तो देखना पड़ेगा क्योंकि बैटरी वो तो टूटी हुई थी जो मैंने लगाई हुई थी। ओके मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है कनेक्टिंग हो रही है मशीन के साथ। यहाँ पे इसकी बैटरी जो है बिल्कुल भी लो है यार, मुझे इसको भाई चार्ज करना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे एक घंटा बर्बाद होने वाला है। तो मैंने अभी तक पूरी की पूरी बैटरी चार्ज कर ली है, थोड़ी बची हुई थी तब आपको दिखाया, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते यार अगर मैं पूरी की पूरी बैटरी आपको दिखाता चार्ज करते, तो पक्का बोर हो जाते यार लिटरली सच में। एंड भाई मैंने यहाँ पे जो है चार्ज होता, ओके यहाँ पे फुल्ली चार्ज हो चुकी है बैटरी। एंड अब मुझे लगता है कि इसको अब तो इसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको क्या है भाई, क्या है तेरा मैटर भाई, अब क्या हाथ हिला रहा है? अच्छा ये गोदी में लेने के लिए कह रहा भाई, इसने एक कार्ड निकाली है यहाँ पे रिक्वायर्ड। ओके यहाँ पे इंक कॉटेज की ज़रूरत पड़ रही भैया, भाई ये क्या नौटंकी है, मुझे अब इंक कॉटेज को लाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से चलता हूँ यार इंक कॉटेज को लाता हूँ। मैंने इंक कॉटेज को उठा लिया है जो कि वहीं पे पड़ी हुई थी, मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि आप लोग बोर हो जाते अगर मैं आपको दिखाने लगता। तो मैंने फटाफट से जो है इसकी जो है कॉटेज को लगा देते हैं इसके। ओके तो यहाँ पे मैंने कॉटेज को लगा दिया है। एंड इसने भाई एक दिल वाला कार्ड निकाला भाई, थैंक यू बोला क्या? ओके कोई बात नहीं यार। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको यार मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक दिया है, फटाफट से जाओ लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो एंड रजिस्टर करते ही आप उसमें जो है रेफरल कोड मेरा यूज़ करो जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया होगा। एंड रेफरल कोड को यूज़ करते ही आपको 100 रुपीज़ को बोनस मिलेगा, साथ ही आप जितने लोगों को शेयर करोगे उसमें आपको 100 रुपीज़ मिलते रहेंगे। एंड आपको आप उसको तुरंत ही ट्रांसफ़र कर भी सकते हो, आपके जैसे ही 2000 रुपीज़ हो जाते हैं आप तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी से जाओ यार एंड फटाफट से जाओ लिंक को पे क्लिक करो और डाउनलोड करो, लेकिन रुक जाओ यार पहले वीडियो तो देख लो पूरी। ओके तो मैं यार फटाफट से आगे की साइड चलता हूँ क्योंकि मुझे अभी ना इसको चार्ज इसका जो वो था बूस्टर एक लगाना भूल गया था, क्योंकि यार बूस्टर भी लगाना पड़ेगा तब जाके ये पूरा का पूरा अपग्रेड होगा। एंड यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, सीरियसली एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ अगर यार मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। सीरियसली यार मैंने पहले बहुत बार कह चुका हूँ यार, प्लीज़ यार कर लो यार भाई, कैसे बताऊँ आपको, प्लीज़ यार कमेंट भी कर दो, अगर आप लोग एक कमेंट कर देते हो तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, जो कोई जो यूट्यूबर होगा वही समझता है। तो मैं फटाफट से यार जो है आधा काम कर लिया है एंड इस रोबोट को लेके चलते हैं आगे की साइड में, जो है डोर स्टॉप को मैंने लगा दिया है एंड इसमें चलते हैं। क्या भाई क्या बोलते हो भाई? ओके आगे की साइड चलते हैं हम, फटाफट से इस डोर को ओपन करते हैं। एंड मुझे पता है कि इसमें जो है इसको लगाने पड़ेगा यहाँ पे। एंड भाई इस प्लग को एक मिनट इसको स्विच को ऑन करते हैं। ओके यहाँ भी मुझे लगता है बूस्टर लगाना पड़ेगा, बूस्टर लेने के लिए मैं फटाफट से चलता हूँ इसमें, क्योंकि मुझे पता है बूस्टर कहाँ पे हैं। अगर आपको पता नहीं तो आप वीडियो देख के पता कर सकते हो कि बूस्टर कहाँ पे मिलते हैं। मैं फटाफट से एक बूस्टर को लेता हूँ एंड फटाफट से जो है लगा देता हूँ एस्केप पिच वाले में। ओके तो यहाँ पर मैंने बूस्टर को लगा दिया रख दिया। ओके यहाँ पे बूस्टर फाइनली लग चुका है एंड बंदा हमारा जो रोबोट है वो भी पूरी तरीके से भाई कितना खुश हो रहा। अरे नहीं 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 यार बाय यार वापस तो आ जाओ। हाँ गाइस अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके यार प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपको वीडियो कैसी लगी एंड लिंक को डाउनलोड करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।